संसद भंग करने के बाद राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और छात्र नेताओं के बीच हुई बैठक में लिया गया। इसमें तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख भी मौजूद थे। फैसले की जानकारी राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव ने दी है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के सचिव ने यह भी बताया है कि सरकार के गठन में और कौन शामिल होगा, इस पर अलग अलग पार्टियों के साथ बात करने के बाद फैसला लिया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद बांग्लादेश में नए चुनाव के लिए रास्ता भी साफ हो गया है। हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने में मदद का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने मंगलवार शाम स्वीकार कर लिया था। यूनुस ओलंपिक कमेटी के न्योते पर बतौर स्पेशल गेस्ट पेरिस में है, वो जल्द ही बांग्लादेश लौट सकते हैं और यहाँ पर जो है किसी तरह हालात तभी सुधरते नजर आएंगे। फिलहाल अंतरिम सरकार के लिए जो छात्र नेता है वो समर्थन देते नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस को। तो इस बीच बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हसन महमूद आवामी लीग की सरकार में विदेश मंत्री थे और छात्रों के आंदोलन के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वहीं बांग्लादेश के पूर्व सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद पलक को सेना ने ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हिरासत में ले लिया जब वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे।